ईवीएम से छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आई हैं। अब ये सरकार जो अभी चल रही है भारत में, और जो उसके पीछे जो लोग हैं, चलाने वाले लोग, जो पूंजीपति लोग हैं, ये सब उनका आपस में साठगांठ है। पूर्ववत की सरकारें और अभी की जो सरकारें हैं, ये सब मिल करके आपस में ये सब तय किए हुए हैं, ऐसा हम लोग को लगता है। दुनिया के सभी विकसित देशों में, जहाँ पे जिसको आप विकसित कहते हैं, जिसकी कॉपी भारत अभी कर रहा है, या यहाँ की सरकारें जिसका उदाहरण पेश करती हैं कि दुनिया के फला देश में ऐसा हो रहा है, दुनिया के फला देश में ऐसा हो रहा है, वहाँ पे आप गौर करेंगे तो वहाँ पे ईवीएम से चुनाव कहीं नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगर जो विकसित देश हैं और ईवीएम इतना ट्रांसपेरेंट और इतना साफ़ सुथरा होता तो वहाँ पे चुनाव होता ईवीएम से। जबकि सारी चीज़ें कचरा साफ़ करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए मशीनें हैं, पैसे निकालने के लिए सामानों की वेंडिंग मशीनें हैं, सब सेंसर और मशीनों से सारा काम होता है, लेकिन चुनाव ईवीएम से वहाँ नहीं होता है। तो इसको समझने की ज़रूरत है। इसको जब तक आप ठीक से नहीं समझेंगे तब तक इसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं कोई इसका बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत सारी रिसर्च की है, जो नेट पे मौजूद है, टाइम टू टाइम जो है मीडिया में आता रहता है, टाइम टू टाइम लोग कहते रहते हैं इसको, उसको आप गौर से देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ईवीएम से छेड़छाड़ पॉसिबल है। ईवीएम से जो चुनाव के परिणाम हैं उनको चेंज करना पॉसिबल है, कहीं से बैठ करके कहीं कुछ करना भी पॉसिबल है। जैसे अभी ये आरटीआई के ज़रिए और गुप्त सूचनाओं के आधार पे ये जो खबर आई कि जो चुनाव जो ईवीएम की मशीनें जो सप्लाई करने वाली कंपनी थी उन्होंने जो सप्लाई किया है उसमें, और जो ये हमारे यहाँ का जो चुनाव आयोग, हमारी सरकारें जो कहती है उसमें लगभग लगभग दुगुने का अंतर है, तो ये बाकी आधी मशीनें हैं कहाँ? और आधी मशीनें हैं तो हमारी सरकारें इसको क्यों नहीं खुलेआम कहती हैं कि जी हमने तो इतनी मशीनें खरीदी थी? तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखने की ज़रूरत है, जिसका विरोध करना तो बहुत ज़रूरी है, वरना आप हम पूरी ज़िंदगी इसके चपेट में रहेंगे और बद से बदतर हालत में पहुंचेंगे, और नतीजा ये होगा कि जो इस देश का सिस्टम है वो चंद लोगों के हाथ के मुट्ठी में होगा, चंद लोगों की तिजोरियों की वजह से वो चंद लोगों का गुलाम हो जाएगा, जिसको सीधे सीधे पूंजीपति लोग कह लीजिए साफ सुथरे लफ्ज़ों में, ये हो जाएगा। तो इसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है पूरे देश से, हर जगह से, जो समझदार लोग हैं, जो जिनको ये लगता है कि नहीं इसके विरोध में हमें बोलना चाहिए, हमें सड़कों पे उतरना चाहिए, सरकारों को कहना चाहिए कि आप इसको बैन कीजिए, इससे अच्छा साफ़ सुथरा व्यवस्था हमारा पहले का बैलेट पेपर के ज़रिए चुनाव का था, जिसमें हम वोट देने के बाद भी जब चाहिए जितनी बार चाहिए उसकी गिनती दोबारा तेवाड़ा चौवाड़ा कर लीजिए, किसने किसको वोट दिया है ये भी देख लीजिए, फिर भी शक है तो फिर कर लीजिए। तो ये इसमें मुमकिन नहीं है, और इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कह पाऊँगा कुछ। शुक्रिया।